देखते रहिए UBN 08 न्यूज। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। नगर परिषद चाचौड़ा द्वारा अब सेन समाज के गरीब लोगों को किया जाएगा राशन वितरण। पहले पुजारी और बैंड बाजे को वितरण हो चुका है। चाचौड़ा बीनागंज नगर परिषद के द्वारा चाचौड़ा क्षेत्र के अन्य अधिकारी के निजी सहयोग से कोरोना वायरस संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके गरीब असहाय लोगों को 15 दिन का सूखा राशन बीनागंज अंबेडकर भवन में वितरण किया जाएगा। चाचौड़ा SDM राजवी समाधिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार नगर में लॉकडाउन लग जाने के कारण पूर्ण रूप से बेरोजगार परिवार को नगर परिषद और अधिकारियों के निजी सहयोग के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ध्यान रखते हुए अन्य प्रकार के गरीब एवं असहाय लोगों को वितरण किया जाएगा राशन। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। तो मुझसे कुछ लोग मिले थे तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन करके नई गाइडलाइंस के तहत उनका वो संशोधन करा दिया तो उनका चालू हो गया। उनकी बजाय हम अन्य लोगों को अभी दे रहे हैं। कौन कौन सी श्रेणी के लोग हैं, क्या क्या उनके लिए सुविधा मतलब जन सेवा की तरफ से प्रदान की गई? उसमें मुख्य रूप से और उनके साथ में जो मजदूर हैं लाइट उठाने वाले बैंड चलाने वाले गरीब लोग हैं। क्योंकि आपको पता है शादियाँ पर प्रतिबंध है और बैंड बाजे वगैरह किसी को चल नहीं पा रहा है और उनका एक सीज़न होता है फिक्स, वो सीज़न भी आगे अभी मिलने की संभावना नहीं है। तो उनको और जो कुछ ऐसे मंदिर के पुजारी हैं जिनके पास सरकारी नियमनुम नहीं मिलता है या शासकीय जमीन नहीं लगी है, छोटे मंदिर हैं जिनके जीवन यापन मंदिर के चढ़ावे पे डिपेंड था, क्योंकि मंदिर भी बंद है कोई चढ़ावा नहीं आ रहा है, ऐसे लोग और कुछ लोग जो टिक्की या ठेला लगाते थे जिनको अलाउ नहीं किया गया लॉकडाउन में, वो लोग और कुछ लोग अगर टैक्सी वाले जिनकी टैक्सी नहीं चल रही है क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों को चलने लगी है, इस प्रकार से 4-5 कैटेगरी के लोग हमने चिन्हित किए हैं। और कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल जिनके घर में कोई